नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत 6 अगस्त को दिन दहाड़े हुई किसान की हत्या के मुख्य आरोपी पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक भर्थना चंद्रपाल सिंह ने बताया कि बीते 6 अगस्त को थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत धूपसीना गांव में दिन दहाड़े साइकिल सवार किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से पुलिस हथियारों का सुराग लगाने में जुटी हुई थी। रविवार तड़के सुबह पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि उक्त किसान की हत्या का मुख्य आरोपी मोटरसाइकिल से सवार होकर फिरोजाबाद से इटावा के बकेवर में पैसे लेने के लिए आ रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने भर्थना बकेवर मार्ग पर बदमाश को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। तभी भर्थना की तरफ से एक काली रंग की पल्सर गाड़ी पर सवार होकर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने बाइक सवार युवक को रोकने का इशारा किया। अपने आप को पुलिस से घिरा हुआ देखकर बदमाश ने बाइक को जमीन पर गिराकर पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस टीम ने आत्मरक्षा हेतु जवाबी फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस की गोली से घायल बदमाश को इलाज के लिए CHC महेबर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के पास से अवैध तमंचा कारतूस और पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की है। पीसी टावर से राहुल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। आज दिनांक 9/8/20 को मुखर द्वारा सूचना मिली थी कि 6 तारीख में जो भुक्सीना गांव में मर्डर हुआ था, उसका जो मैन अभियुक्त है वो अपने पैसे वैसे लेने के लिए गांव में आ रहा है। इसी सूचना पर बकेवर पुलिस और SOG की टीम ने बकेवर ओवरब्रिज से लगभग 400 मीटर दूरी पर सती मंदिर के पास में अपना जाल बिछाया और वहां पर जब 4:30 बजे के आसपास मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जब पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने उसी समय मोटरसाइकिल गिरा करके पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उसके ऊपर फायरिंग की, जिसमें वो व्यक्ति घायल हो गया और बाद में पुलिस ने उसको दबोचा। तब ये पता चला कि वो व्यक्ति सुशांत सिंह और विशाल सिंह सनोक उमेश थाना एका जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला है और यहाँ पर जो मर्डर हुआ था उसमें उसी ने जगमोहन भदौरिया नाम के एक व्यक्ति को जो शूट किया था और जो पैसे की डील हुई थी उसके साथ में, उस पैसे को लेने के लिए फिरोजाबाद से यहाँ पर वो आया हुआ था। घायल को CHC पुलिस की मदद से पहुँचा दिया गया है। बाकी अभी जांच की जा रही है, जो भी चीज़ें जांच में निकल करके आएगी बाद में आपको अपडेट किया जाता रहेगा।